बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान महिला श्रद्धालु के नकदी से भरे हुए दो पर्स चोरी हो गए। पीड़िता ने सुरक्षा पर सवाल उठाकर मंदिर में आए दिन होने वाली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग करी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों के साथ चोरी और जेबकटी की घटनाओं पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते प्रभु दर्शनों की इच्छा दिल में सजोए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं पुलिस की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सोमवार की शाम को चोरी की घटना की शिकार हुई जयपुर निवासी महिला श्रद्धालु आस्था मिश्रा इतनी आहत दिखी कि मंदिर में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस से अपील कर डाली। मंगलवार को कोतवाली पहुंची पीड़िता ने बताया कि वो सोमवार की शाम को लगभग 7 बजे अपनी मां के साथ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर रही थी। उन्होंने अपना और अपनी मां का पर्स एक थैले में रख लिया, जिसमें करीब 15-20 हजार रुपए की नकदी, 2 ATM कार्ड और दस्तावेज रखे हुए थे। उन्हें शक है कि जैसे ही उन्होंने बिहारी जी का जयकारा लगाने के लिए हाथ उठाए, उसी दौरान उनके दोनों पर्स चोरी हो गए। पीड़िता ने तभी बांके बिहारी पुलिस चौकी पर शिकायत करने के बाद मंगलवार को कोतवाली पहुंचकर घटना की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय उन्हें वापस बांके बिहारी पुलिस चौकी के लिए भेज दिया, जहां चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय पुलिस ने गुमशुदगी की एक एप्लीकेशन लिखवाई और उसे रिसीव कर पीड़िता को थमाकर वहां से डरकाकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। पीड़िता ने शाम को बताया कि दोपहर को CCTV चेक करने पर एक महिला उनके थैले से पर्स चोरी करती हुई साफ दिखाई दे रही है। मथुरा पुलिस की कार्यवाही को लेकर श्रद्धालु महिला ने असंतोष व्यक्त किया। सवाल उठता है कि घटनाओं को मिनिमाइज करने की बजाय पुलिस अगर तत्परता के साथ उनके खुलासों में जुड़ जाए तो न सिर्फ लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा बल्कि आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। मैं जयपुर से आई हूँ यहाँ पर, बांके बिहारी जी का कार्तिक का महीना चल रहा है तो मैं दर्शन करके आती हूँ। मम्मी पापा के पास आई थी, यहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, करवा चौथ मनाने। तो कल बांके बिहारी जी के दर्शन करने गई 6 से 7 बजे के बीच। मेरे पास एक थैला था, जैसे कि एक थैला ऐसे होता है इस तरीके से, उसमें मम्मी का वॉलेट और मेरा वॉलेट दोनों ऐसे रखे थे। तो हम बाबू पेड़े पंडित पेड़े वाले से प्रसाद लिया। अब मुझे ये ध्यान है कि पर्स इसमें रखी है जैसे, है ना। तो फिर मुझे प्रसाद को खरीदा और फिर मंदिर दर्शन करने चली गई। अब मंदिर दर्शन करने गई तो मुझे कुछ पता नहीं चला, जैसे बोला बांके बिहारी की जय, या तो तब किसी ने दोनों वॉलेट निकाले हैं, है ना, या फिर ऊपर भीड़ में किसी ने निकाले हैं वहाँ पे। और दोनों वॉलेट में लगभग, है ना, 15 से 20 हजार का कैश था, 2 ATM कार्ड थे, एक इंटरनेशनल ATM कार्ड था और एक यहाँ का था कार्ड। तो दो कार्ड चोरी हो गए और उसमें एक साला सर जी की फ़ोटो होगी, एक लाल पर्स में और काले वाले में कैश होगा। तो इस तरीके से मेरे दो वॉलेट चोरी हो गए। तो बड़ा बुरा लग रहा है। तो आपने इस मामले में मंदिर दर्शन करने आते हैं कि यहाँ पर चोरी, यहाँ पे अगर ऐसे करोगे तो कोई दर्शन करने नहीं आएगा यहाँ पर आपका वृंदावन, फिर कौन आएगा दर्शन करने? जब मंदिरों को कोई इस तरीके से मंदिरों में ही चोरी होने लगी तो कैसे काम चलेगा? बात की इस बारे में, CCTV वगैरह कुछ दिखवाई? उस राम बाबू पेड़े वाले को बोला कि कैमरा दिखा दो, तो बोला उसी टाइम का वो क्लिप गायब है उसका, बोला सर्वर डाउन था। पुलिस से ये दिखा दो कि पीछा कौन कर रहा है मेरा, किसने पर्स देखा होगा या किसी ने मेरा पर्स देखा होगा मिठाई ले, तो ये कैमरे में दिखा दो। मैं ये नहीं कह रही आपने पैसे लिए मिठाई वाले से, बस ये कह रही कैमरा दिखा दो। तो उसने कैमरा दिखाया तो बोला कि उसी टाइम की क्लिप गायब है, 6 से 7 बजे के बीच में ये हुआ है, तो उसी टाइम की वो क्लिप गायब है। हाँ, मैं पुलिस में कल चौकी पे भी गई थी, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई, कागज़ का नाम वगैरह लिखवा दिया मम्मी का मेरा, है ना। और रिपोर्ट दर्ज हुई, फिर वो रिपोर्ट लिखवा के आगे रजिस्टर में। उस वक्त दिमाग इतना खराब था, फिर आज सुबह अभी आई हूँ कोतवाली से, मैंने FIR के लिए एप्लीकेशन लिखी है। अब वो ये लोग कह रहे हैं कि आप चौकी में जाओ, वहाँ पर ही बात करो आपसे। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पैसे मिल जाएं, मेहनत की कमाई है मेरे पति की, और ये है ना मंदिरों में ये चीज़ें बंद हो जाएं।